हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज इसका पढ़ने वाले हैं रिवीजन क्लास, मतलब इससे पहले हमने अफर्मेटिव क्लास, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव सबकी अलग अलग एक सेपरेट क्लास आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पढ़ाई है। आज की क्लास हम उसमें रिवीजन का मतलब है मिक्स होंगे, सभी प्रकार के होंगे, आपके अफर्मेटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, दोनों तरीके होंगे। तो उससे हम क्या समझ पाएंगे कि हमने उसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम जो सेंटेंस आपको गिवेन है इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो समझते हैं इसकी पूरी क्राइटेरिया हम आपको बता चुके हैं। हैज और हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आता है। सभी के साथ चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यानी सभी परफेक्ट टेंसों के लिए ये है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इस प्रकार से याद करके रखें, ये नहीं एक एक करें कि आप रिटन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट में लिखा हुआ किसान अपना खेत जोत चुके हैं, किसान अपना खेत जोत गए हैं, कैसे भी कह दिया जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही रहेगा। इस बात को पढ़ के मैं ऐसा लगता है यहाँ है लिखा हुआ, इसका मतलब है किसान जो है एक से ज्यादा है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट हमारा है ये प्लूरल बन जाएगा, यानी बहुवचन, प्लूरल बहुवचन बन जाएगा, तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हैव प्लोड देयर फील्ड्स, किसान अपना खेत जोत चुके हैं। देखिएगा फर्स्ट द फार्मर्स हैव प्लोड देयर, अपना के लिए यहाँ देयर आएगा, ठीक है। द फार्मर्स हैव प्लोड देयर फील्ड, इस प्रकार से ये अफर्मेटिव टाइप का था। ये फर्स्ट सेंटेंस जो था अफर्मेटिव का था। अफर्मेटिव जिसमें बात को हम स्वीकार करते हैं, ना तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसमें, ना ही हम अपना कोई निगेटिव आंसर देते हैं, ना नहीं कहते हैं। क्या किसान अपना खेत जोखे, अब देखो ये इंटरोगेटिव हो गया। और किस प्रकार का इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटरोगेटिव है, अर्थात जो आपको ये सेंटेंस हमने दिया है बना करके इसी में थोड़ा फेर बदल होगा, कोई नया वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटरोगेटिव है, ना कि WH फैमिली का। अब क्या अंदर आ जाता कहीं तो ये हो जाता, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये क्यों, तो WH फैमिली का शब्द कहीं सब्जेक्ट के बाद अंदर आएगा तो वो WH फैमिली का माना जाता इंटरोगेटिव, ये है हेल्पिंग वर्ब से। तो इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हैव यहाँ पर है इसको यहां से पिकअप करेंगे, उठाएंगे और बाकी के स्टार्ट में इसको हम रख देंगे तो फिर हमारे सेकेंड सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाएगी। देखिएगा यहां से हैव उठा रहे थे, हो जाएगा हैव, आप पूरा का पूरा जैसा तैसा लिख दो, हैव आपको नहीं लिखना है, जो बचे हुए जो वर्ड हैं एज इट सभी आप वैसे ही लिख देंगे, सेकेंड सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी। हैव द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड, इतना फेर बदल है, ये है इसकी कॉन्सेप्ट। हेड है क्या किसान अपना खेत, अब देखो नहीं जोत चुके हैं, यही सेंटेंस पूरा सब कुछ है, लेकिन एक नया वर्ड इसमें इंक्लूड हुआ है जो कि है नॉट। अब ये नॉट कहाँ रखा जाएगा, नॉट अपनी जगह कभी बदलता नहीं है, वो एक जगह उसकी हमेशा फिक्स होती है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब तो इसकी आगे है, अब हैव तो यहाँ क्या से यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, तो हैव तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, तो फार्मर से बाद आप नॉट रख देंगे और सभी जो वर्ड इसमें गिवेन है एज इट रखेंगे तो थर्ड सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाएगी। जैसे हैव द फार्मर्स, अब यहां पर आप नॉट लगा दें, नॉट आगे जैसा का तैसा प्लोड देयर फील्ड,
फील्ड से है, खेत है ना बहुवचन, सभी किसान अपना अपना जोत रहे, फील्ड से होगा। तो देखिएगा एक जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट है जो कि हमें सीखना है, बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, लेकिन जब थोड़े गहराई में हम जाएंगे तो इनको अच्छे से सीखा जा सकता है। फोर्थ है, इसी से रिलेटेड है। अब देखो फोर्थ में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन एक सेंटेंस तक एक जैसे हैं। यहाँ क्या हमने कहा, यहाँ WH फैमिली से रिलेटेड हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, किसानों ने अपना खेत क्यों जोता है, क्यों जोता है, यानी किसान अपना खेत क्यों जोत चुके हैं, इसका मतलब ये है। आप जोता है तो आप इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, नहीं, किसान अपना खेत जोत क्यों जोत चुके हैं, किसान अपना खेत क्यों जोता है, मतलब खेत तो जोत चुके हैं ना, किसान अपना खेत क्यों जोत चुके हैं, इसकी कॉन्सेप्ट ये है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब देखिएगा इसमें क्यों आ गया, तो अब क्या नया बन जाएगा, इसमें नया कुछ भी नहीं बनेगा। फर्स्ट पे चलिएगा आप, ये सेकंड वाली पे, सेकंड की हमने अंग्रेजी क्या बनाई थी उसी में थोड़ा फेरबदल करेंगे, जो क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, WHY, वो हम हैव से भी पहले उठा के पुट कर देंगे। हैव भाई, हैव द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स, केवल इतना फेरबदल हो जाएगा। क्योंकि WH फैमिली हमने ये बताया था कि WH फैमिली में स्टार्ट में आपका WH फैमिली का शब्द आएगा, फिर हैज या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिएगा जो हमारा सेकंड वाला है वही हमें लिखना है, केवल हैव से पहले हमें WHY क्योंकि अंग्रेजी को और पुट अप कर देना है। जैसे व्हाई हैव द फार्मर्स प्लोड, अब नॉट तो इसमें है नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे इसमें, ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, प्लोड देयर फील्ड्स, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, सभी में क्वेश्चन मार्क है, इनको लगाना ना भूलें। तो देखिएगा ये चार सेंटेंस एक जैसे थे, क्यों एक जैसे रखें, जिससे उसकी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सको। चलिए नेक्स्ट 5 है, छात्र विद्यालय चले गए हैं, मतलब छात्र विद्यालय जा चुके हैं, छात्र विद्यालय गए हैं, छात्र विद्यालय चले गए हैं, कुछ भी कहा जाए उसकी कॉन्सेप्ट एक ही है, उसका इंग्लिश वर्जन भी एक ही रहेगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो प्लूरल में है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा है बहुवचन में है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल, ये अफर्मेटिव में है, ना तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ना ही निगेटिव नॉट का यूज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कहेंगे द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। तो देखिएगा 5, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू स्कूल, यहां फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। फिर हमने क्या कहा, छात्र विद्यालय नहीं गए हैं, यानी छात्र विद्यालय नहीं जा चुके हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही माना जाएगा। अब क्या करेंगे, यही सब कुछ रहेगा, और ये जो आपका स्टूडेंट हैज नॉट, हैव और गॉन के बीच में, यानी हैव नॉट, हैज नॉट का प्रयोग होता, तो यहां पर नॉट और लगा देंगे और एज इट रहेगा। जैसे द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब हमने इसका इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाया है, वो भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का, वो भी हेल्पिंग वर्ब से, क्या छात्र विद्यालय नहीं गए हैं। अब क्या करना हमको, ये हमने 6 वाला किया, केवल यही रहेगा, इसमें कोई नया वर्ड इंक्लूड नहीं करेगा, केवल करना क्या हमें, इस हैव को यहां से पिकअप करेंगे और स्टार्ट में उठा के पुट कर देंगे, एज इट लिख देंगे, तो क्या छात्र विद्यालय नहीं गए हैं इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। देखिएगा हैव द स्टूडेंट्स नॉट, अपनी जगह एज इट रहेगा, नॉट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फिर हमने इसी को बनाया है WH फैमिली का इंटरोगेटिव, छात्र कहाँ गए हैं,
अब कहां की अंग्रेजी वेयर होती है वो पहले आ जाएगी, स्कूल का इसमें जिक्र किया नहीं गया तो ये लिखा नहीं जाएगा। अब लिखेंगे वेयर हैव द स्टूडेंट गॉन, वेयर हैव द स्टूडेंट गॉन एट, तो एट में करेंगे छात्र कहाँ गए हैं, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, फिर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगल उसके अनुसार हैज हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, तो वेयर हैव द स्टूडेंट्स गॉन, क्वेश्चन मार्क। माता जी ने खाना बना दिया है, मतलब माता जी खाना बना चुकी हैं, आप आइए खा लीजिएगा। माता जी ने खाना बना दिया है, माता जी खाना बना चुकी हैं, कहने मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का है, इस प्रकार से आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझे पहचान की, तो हो जाएगा द मदर अम्मा, तो सिंगल है तो हैज का यूज होगा, द मदर हैज कुक्ड फूड, द मदर हैज कुक्ड फूड, अफर्मेटिव है। फिर हमने कहा क्या माता जी ने खाना बना दिया, कुछ नया नहीं करना है आपको, केवल इस हैज को यहां से पिकअप करेंगे और स्टार्ट में रख देंगे, हैज द मदर कुक्ड फूड, क्या माता जी ने खाना बना दिया, हैज द मदर कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। माता जी ने खाना, माता जी ने क्या बना दिया, अब देखो ये क्या हमारा इस अंदर आ गया है, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब फूड नहीं लिखेंगे, फूड यहां नहीं लिखेंगे, और हैज से पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे, जो क्या की जेन्युइन में इंग्लिश होती है व्हाट, डब्ल्यू एच टी, वो हैज से पहले आ जाएगी, तो यहां लिखेंगे व्हाट हैज द मदर कुक्ड फूड, नहीं लिखेंगे, इतना अंतर हो जाएगा। तो इलेवेंथ हम लिखने वाले हैं व्हाट हैज द मदर कुक्ड, तो ये रिवीजन क्लास हमारी इसलिए थी कि आप इसकी केवल और केवल कॉन्सेप्ट सीख पाए, शेष आप अपने किताब से एक्सरसाइज निकालें हो तो करें, देख लेना कहीं मिस्टेक हुई हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ होगा लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक रिवीजन क्लास, जिसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन इंटर वो सेंटेंस रख करके उनकी इंग्लिश आपको बताने की कोशिश की है। ये कंप्लीट हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट इसी प्रकार से पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी प्रकार से उसके चार क्लास चलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, और फिर एक रिवीजन क्लास इसी प्रकार से होगा। अगर आप रेगुलर इस क्लास को देखते रहेंगे तो 100% आपको टेंस की कॉन्सेप्ट आ जाएगी। अगर आपको टेंस की कॉन्सेप्ट आ जाती तो आपको इंग्लिश में बहुत कुछ आने लगेगा, जैसे इंटरोगेटिव एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी ग्रामर आपको काफी हद तक आ जाएगा, और छोटे छोटे सेंटेंसेस की आप अपनी आम भाषा में बात भी कर सकते हैं, उन्हें इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बना भी सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।